जातिवाद का जहर, फेल हुई सरकार। जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। आज का जो ताजा मामला है वह है जातिवाद से जुड़ा हुआ। बता जा रहा कि मध्य प्रदेश के देपालपुर के चटवाड़ा क्षेत्र से एक दलित महिला को अंतिम संस्कार करने से रोका गया। बता जा रहा है कि दलित महिला की मौत हो गई थी और उसको अंतिम संस्कार में अड़चने आई और करीबन 7 घंटे उसका शव को सड़क पर रखकर धरना प्रदर्शन किया गया, तब जाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। यदि हम आपको याद दिला दें कि पिछले महीने उत्तर प्रदेश के आगरा के अछनेरा क्षेत्र से एक घटना ऐसी सामने आई थी जहां पर एक दलित महिला को अंतिम संस्कार करने से रोका गया था। मामला था आगरा के अछनेरा के रायभा से, जहां काफी विवाद हुआ था और देश के अंदर जातिवाद का एक खुलासा हुआ था। कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसी घटनाओं को देखकर जातिवाद सामने आ जाता है और यह घटनाएं ताजी हो जाती है। पता चल जाता है कि देश के अंदर आज भी कितना जातिवाद है। वहीं हम आपको बता देते हैं कि जो मामला है मध्य प्रदेश के चटवाड़ा से, वहां पर एक समुदाय है, दलित समुदाय में आता है, जिसको बताया जाता है बलाई समाज। बलाई समाज की वह महिला थी जिसको अंतिम संस्कार करने से रोका गया था। जो दबंग लोग थे, जो श्रवण लोग थे, वह कह रहे थे कि बलाई समाज के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। बलाई समाज एक नीच जाति से आता है और इसको इन्हीं के अंतिम संस्कार करने के लिए इनका शमशान बनाया गया है, वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन बलाई समाज के जो संगठन है, क्षेत्रीय संगठन, उसने वहाँ पर धरना दिया और अधिकारियों को अवगत कराया। कुल मिलाकर 7 घंटे बाद वहाँ दलित महिला का अंतिम संस्कार करने दिया गया। और वहीं हम आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से एक मामला सामने आया। वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दलित समाज की महिला व उसकी बेटियों को बेरहमी से पीटा जा रहा है, किस बेकदर उनको लात घूंसे बजाए जा रहे हैं। ये वीडियो जो वायरल हुई है वह हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होता है। लेकिन सोनभद्र उत्तर प्रदेश में जो मामला हुआ, यह उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए काफी शर्मनाक बात है, क्योंकि जहां बताया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं बेटियों को इस बेकदर पीटा जाता है, यह भी जातिवाद से जुड़ा हुआ मामला है। वहीं हम आपको बता देते हैं कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जो किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किसानों की जो अपनी समस्या है उनको लेकर, किसानों के ऊपर जो खट्टर सरकार की पुलिस है उसने लाठियों से वार किया, बेरहमी से पीटा गया किसानों को, जो देश के अन्नदाता है, जो नारा लगा रहे थे कि जय जवान जय किसान, और सरकार व पुलिस ने उनको इस नारे के ऊपर भी बहुत बुरी तरह पीटा। किसानों की इस दर्दनाक घटना पर, पुलिस द्वारा पिटाई पर विनोद कपरी लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम आपको बताते हैं कि मारो मारो किसान ही तो है, खूनम खून कर दो, घेर घेर कर मारो, सुरक्षा घेरा तो बस कंगना के लिए ही बचा कर रखो। यह बात लिखी विनोद कपरी ने। और वहीं हम आपको बता दें कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट किया है इस घटना के ऊपर, सरकार की नाकामी की पोल खोली है। और ये बात हम इसलिए बताते हैं, इसलिए कहते हैं कि आज देश के हालात नाजुक है, देश के ऊपर संकट मंडरा रहा है और यहाँ पर गृह युद्ध के आसार बन गए हैं, क्योंकि जब देश के अंदर जो असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी, चिकित्सा, अस्पताल, स्कूल, शिक्षा, उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो जो देश के नागरिक हैं, जो प्रधानमंत्री को चुनकर जिम्मेदार व्यक्ति बनाते हैं, और वहीं बेकदर मासूम इतने बेसहारा हो जाते हैं कि उनको अपने भविष्य के बारे में चिंता होने लगती है और सरकार गूंगी भैरी सरकार हो जाती है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, तो वहाँ गृह युद्ध के आसार बन ही जाते हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब सरकार तानाशाह हुई है और सरकार गूंगी भैरी हो गई, उसने जो देश के नागरिक है उनको कुछ नहीं समझा,
गाजर मूली की तरह समझा, एक पशु के समान समझा। तो वह आवाम नाराज होकर, क्रोधित होकर विद्रोह करती है और विद्रोह इतना भयानक हो जाता है कि गृह युद्ध हो जाता है और वही आसार आज मंडरा रहा है। वहीं आपको याद दिला दे कंगना रनौत, कंगना रनौत का जो मुद्दा चल रहा है काफी गर्मा रहा है, काफी सुर्खियों में है इस समय कंगना रनौत, जिसको लेकर सियासत भी काफी तेजी से गर्मा रही है। विपक्षी दल हो या सत्ताधारी नेता हो, सब कंगना रनौत को लेकर, कोई तो कहता है कि कंगना रनौत देश की शेरनी है, रानी लक्ष्मीबाई है, और कोई कहता है कि कंगना रनौत एक वेश्या है। यदि हम आपको बता दें कि कंगना रनौत के जो करतूत है, उसके जो चिट्ठा है, वह भी काफी खंगाला जा रहा है। राखी सावंत फिल्मी अभिनेत्री जो कंगना रनौत का भूतकाल, उसका चिट्ठा खंगोल रही है और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर वायरल कर रही है, उसमें ना जाने कैसे कैसे खुलासे कर रही है जो हम आपको पिछली वीडियो में दिखा चुके हैं। और यदि हम आपको बता दें कंगना रनौत के बारे में कि कंगना रनौत ने पिछले दिनों बहुजन समाज व भारत के संविधान को लेकर जो टिप्पणी की थी, भारतीय संविधान के खिलाफ जो टिप्पणी की थी, और बहुजन समाज में काफ़ी आक्रोश था, बहुजन समाज द्वारा यदि हम बता दें कि गुरुग्राम, हरियाणा का गुरुग्राम, जहाँ पर भीम सेना के प्रमुख सतपाल तंवर, नवाब सतपाल तंवर ने केस दर्ज कराया था, और वहीं मेरठ में बहुजन समाज बटालियन के अतुल खोड़ावाल ने भी मुकदमा दर्ज कराया था, और वह काफ़ी मशक्कत करने के बाद खुशखबरी यह है कि वह अब 8 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि कंगना रनौत को अदालत में रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी, कंगना को अदालत में घसीटा जाएगा 8 अक्टूबर को। यह काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बहुजन समाज के जो संगठन है, बहुजन समाज के जो आवाम है, वह काफ़ी जागरूक होने लगी है, और ऐसी घटनाएं जिनको दबा दिया जाता था, मिनिस्ट्री मीडिया की बात करें यदि हम, वह नहीं दिखाती थी, और आज सोशल मीडिया के जरिए वह सभी खबरें उठाई जाती है और आवाम तक पहुंचाई जाती है, जिसको लेकर धरने प्रदर्शन होते हैं, सरकार का घेराव होता है, सरकार का विरोध होता है, और यदि कोई भी होता है, कंगना रनौत तो कुछ भी नहीं है, इससे पहले भी यदि किसी ने ऐसी दिक्कत की है, ऐसा कारनामा किया है, उसके खिलाफ बहुजन संगठन सड़कों पर आए और उनको नाक रगड़वाने का काम किया गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, हमने आपको 4 खबरें दिखाई जिनमें जातिवाद से जुड़ा हुआ मामला सामने आया। जो लोग कहते हैं कि आज जातिवाद नहीं है, जातिवाद है, बहुत ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम है, लेकिन जातिवाद ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि आज समाज जागरूक हो रहा है। हमने आपको जो बताया, जो दिखाया, उसको आप लोग शेयर करें, आगे तक पहुँचाएं, हमारी हिम्मत बढ़ाए, और हम अगली रिपोर्ट में कुछ और जातिवाद को लेकर खुलासा करने वाले हैं। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। आप देख रहे थे बहुजन हलचल, मैं उमेश करुणा आपसे इजाजत लेता हूं, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।